हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड जी, यू आर वाचिंग बबली ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोग की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मून को डेंगी डायग्नोज हुआ है, बट अब उसको जूसेस एंड शेक्स एंड एक्सेट्रा और पपीते के पत्तों का वो जो पानी है वो भी मैं दे रही हूँ। तो अभी मैं इसके लिए बनाई है मैंने खिचड़ी, ये देखिए मैंने खिचड़ी इसके लिए तैयार की है, ठीक है। और क्योंकि खिचड़ी डॉक्टर ने बोला खाने के लिए ना, और साथ में ये पपीते के पत्ते जो हैं ये अम्मी के घर से आए हैं, अम्मी आई हैं वो लेके आई हैं, और ये एप्पल लेके आई हैं, ये जूस वाले एप्पल्स, ठीक है। इसका जूस निकाल के मैंने वैसे सुबह दे दिया था एक बार, और वो अब फिर दूंगी। और ये बनाना है, ठीक है, अभी इस बनाना के मैं ना मिल्क शेक बनाने लगी हूँ, ठीक है। और उसके अंदर फिर थोड़ा सा जो है ना, जो पपीतों का पत्ते मैं भी दिखाती हूँ, मैंने ना बना के रखा था इसका ना कहाँ गया पानी, कहाँ गया पपीते के पत्तों का, बाहर रखा हुआ मैं फ्रिज में ढूंढ रही हूँ। बस टेंशन में ना फिर समझ ही नहीं आती है कुछ। और मेरे कपड़े को इग्नोर कीजिएगा, मैंने कल वाले कपड़े पहने में, ये देखिए ये मैंने ना पानी निकाल के इसका रख दिया है। तो ये ना तकरीबन पाँच स्पून ना ये वाले चम्मच, ये ना पांच मैं उसके अंदर, जैसे मैंने सुबह एप्पल शेक में डाल के, सॉरी एप्पल जूस में डाल के दे दिया था, और मतलब जूस में, शेक में नहीं, मैंने डाल के दिया था, जूस बनाया था तो मैंने उसमें डाल के दे दिया था। और अब मैं बनाना शेक बना रही हूँ, तो अब इसमें भी थोड़ा सा ना ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और कुछ बर्तन मैंने धो दिए थे, और जो अभी दोबारा के बर्तन हैं वो धुलने वाले हैं, और वो मैं धोती हूँ अभी, इससे पहले मैं शेक बना देती हूँ, ठीक है। तो बस ये कि आज इसको डॉक्टर के पास फिर लेके जाना है। अब इसके हाथ पे कनोला है ना, वो नहीं उतरा अभी, वो लगा हुआ है। डॉक्टर ने कहा था कि मे भी कल ना दोबारा ड्रिप लगानी पड़ जाए। तो क्या कहते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसके हाथ में कनोला जो लगा हुआ है ना, वो भी मैं दिखाती हूँ। अभी ऊपर बैठा हुआ है, अभी मैं उसको, अभी कह रहे थे मम्मा मैंने नहीं पीना, बट मैंने कहा नहीं बेटा पीते रहो ताकि जल्दी सब ठीक हो सको ना। तो ये मेरी बात है, चले मैं शेक बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है ये, ठीक है, वो कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो इसलिए ये मिस हो गया, बट ये थोड़ा आप देख सकते हैं डिफरेंट इसका कलर, और इसमें नहीं है। तो ये मैं मम्मी को देती हूँ और ये मैं इसको देती हूँ। फ्रेंड ये पी रहा है शेक, और ये देखिए इसके हाथ में लगा हुआ है कनोला। हाँ हाँ, लेकिन सही हो जाएगा। ये देखें कल वाली वीडियो लगा के ये देख रहा है, यहाँ पे कह रहा है मुझे देखनी है, और ये देखें जम्मी आई हुई है, और कर दीजिए हेलो, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब और लाइक भी करें कविता के बबलीज ब्लॉग को। बस तो फ्रेंड वो आया हुआ है भुट्टे वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो हमने कहा लेते हैं भुट्टा, ठीक है, अभी इधर आया तो फिर मैं लेती हूँ। और मैंने कहा चले चाय भी बनाते हैं, खाना हम लोग ने खा लिया है, मतलब खिचड़ी ही खाई है अम्मी ने भी और मैंने भी और मून ने भी, और खिचड़ी खाई है। अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं उनको फ्रेश एप्पल का जूस निकाल के दूँगी, बाकी भुट्टे वाला आ रहा है और उसको, उससे हम लेते हैं भुट्टा, वो बॉयल वाला होता है ना, तो वो उस पर मसाला वसाला लगा के वो बड़ा टेस्टी से लगता है, तो वो आता तो फिर उससे लेते हैं। तो भुट्टे वाला आ गया, उससे लेते हैं भुट्टा, ये लो 50 वाला। हाँ अच्छा सा चटपटा सा कर देना, नींबू भी होता है ना, नींबू भी है ना, नींबू का। हाँ हाँ बस ठीक है, वो भी करते हैं। कोको आप तो पीछे रहो, ये ले, ये देखिए जनाब गरम गरम भुट्टा तेज मसाले वाला, तो ये भी बड़ा टेस्टी लगता है, देग में पकता है तो ये बड़ा मज़े का लगता है, तो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे दोनों भुट्टे पसंद है। इसको रखते हैं प्लेट में और जाके देते हैं अम्मी को, क्योंकि अम्मी को पसंद है, आपको नहीं देना, अम्मी को देते हैं, ठीक है। ये ले मॉम गरम गरम सा भुट्टा, और इसके ऊपर सही वाला मैंने मसाला लगाया है, सही वाला मसाला लगवाया है, ये ले, ठीक है। तो फाइनली अब बनाते हैं पपीतों के पत्तों का पानी, ठीक है, उसका शरबत निकालती हूँ और बस उसको सेव करके रखती हूँ फिर, ठीक है। तो बस जब कोई बीमार वगैरह होता है तो कुछ काम स्पेशल हो जाता है, तो बस आज कुछ ऐसे ही स्पेशल काम हो रहा है,
और अभी शाम को इसको फिर कैनोला का नहीं तो आ रहा है, हैंड्स मैंने आपको दिखाया था, अब इसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाना, अगेन इसको ड्रिप लगेगी और आप लोग सब दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, कि जल्दी से सेहत याब हो जाए और इसको ड्रिप लगेगी। और एक इसका और टेस्ट है, वो कह रहे थे, वो पता नहीं कौन सा टेस्ट कह रहे थे कि वो करवाऊँगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना मतलब वाइट ब्लड सेल कितने इंक्रीज हुए हैं या कितने लो हुए हैं, तो आई होप बढ़े हों। तो बाकी ये है कि शाम में जाता है, फिर जो भी डिटेलिंग होगी आपके साथ शेयर होगी, तो मेरे साथ बने रहिए। ये हैं सारे पत्ते, ठीक है, पपीते के पत्ते हैं, इसको अच्छे से धो के और ग्राइंडर में डालते हैं हम, ठीक है ना, ताकि इसको फिर हम ग्राइंड कर लें। और ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब डेंगू के लिए तो बहुत अच्छा, जब हमारे घर में ये नहीं था, पत्ते नहीं थे ना, तो फिर बड़े ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते थे, मतलब दरख्त नहीं था तो बड़े ढूंढ ढूंढ के पत्ते लाने पड़ते थे, और इनका एक ना सिरप भी मिलता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो ओरिजिनल वाले पत्ते हैं ना, असली वाले कुदरती तौर पर, तो बहुत अच्छे हैं। और इसके अंदर डालूँगी ये मैं पानी, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी डालना है, आधा ग्लास है, तो इसमें से भी पानी निकलेगा, तो इतने ही थोड़ा पानी डालते, थोड़ा बचा लेते, बाद में नीड होगी तो फिर और डाल लेंगे, ठीक हो गया। अब इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और इसको उतारते हैं, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे करते हैं, और इसको स्टेन को करते हैं, इसको पकड़ के करते हैं ऐसे, ठीक है, सारा का सारा ऐसे हो गया, सही। अब जितना भी होगा ना, ये देखिए, पानी इसमें से निकल जाएगा, अब चम्मच की हेल्प से कर लेते हैं इसको सेट, ताकि और पानी भी जो जो निकल रहा है ना, ये निकल जाए। तो मैंने स्पैचुलर की हेल्प से ये सारा कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल निकल गया इसके अंदर से सारा कुछ, ठीक है। और अब इसको करते हैं वॉश, कोई ऐसी एम्प्टी बॉटल हो तो इसमें हम इसको रख लेते हैं, ताकि जो है ना, इसको साफ़ कर लेते हैं जो नीचे गिर गया, और ताकि ये ना कि बिल्कुल सेफ रहे, गिरे गिराए ना। अभी आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये एप्पल भी सारे वॉश कर लिए हैं अच्छे से, ठीक है, अब इनको रखती हूँ फ्रिज में। ये जो मैंने बनाया ना पत्तों का पानी, इसको थोड़ा सा खोलते हैं बोतल को, और इसको हम सब पिलाना तो इसको है ना, अब तो हम चार को चम्मच भी थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं, चलें, ठीक है, थोड़े थोड़े तो हम लोग भर के थोड़ा डाल देते हैं, ठीक हो गया। और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स, उसने कहा मम्मा मुझे नहीं पिलाना, और ये फाइबर सारा है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ताकि उसको बुरा ना लगे, इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है, सही। चैलेंज पियो, शाबाश शाबाश, ये देखें फ्रेंड कैसे देख रहा है, चले फटाफट पियो, आपके लिए अच्छा है, सही है ना मून। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी मून को लेके हॉस्पिटल अगेन, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, और अब इसका CBC होगा अगेन, ठीक है, उसमें वाइट ब्लड सेल का पता चलेगा और कि क्या है, तो आई होप अच्छा ही सब कुछ हो, ठीक है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर ही एंड, और इससे पहले मून से ज़रा पूछते हैं क्या फीलिंग है इसकी डेंगू में, मतलब इसे क्या क्या फील होता है डेंगू में, बताओ जरा। गाइस, बस सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और कुछ खाने का मन नहीं चाहता, बस
बॉडी पेन, सर में पेन, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करना और नोज़िया होना, ना वॉमिटिंग टाइप फील होना, तो ये होता है। और जिस्म का दर्द तो नॉर्मली सिचुएशन में अगर दर्द हो तो कितने हम लोगों को जीव लगता है, तो फिर डेंगू में तो कंटिन्यूसली होते रहना। तो चलें ठीक है, आप दुआ में याद रखिएगा। इस ब्लॉग को यहाँ पर एड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलने वाली हो। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। अगले ब्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।